हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों 24/8 मधानी मोटर वायरिंग का है, जिसमें कि यह पुराने पेपर इसमें लगे हुए हैं। इनको हम पहले रिमूव कर लेते हैं, स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। मैंने मधानी मोटर वायरिंग भाग एक और भाग दो पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने भाग एक और भाग दो नहीं देखा है तो पहले भाग एक और दो ज़रूर देखें। तो पेपर अलग करने के बाद अब हम इसमें नए पेपर को लगाएंगे, जिसमें कि यह 7 नंबर PVC फिल्म पेपर है। इसको हम स्टेटर की साइज के हिसाब से काट लेते हैं और इसका हम एक साइज तैयार करेंगे। तो उससे पहले हम पेपर को इस प्रकार मोड़ कर काट लेते हैं। यह 7 नंबर PVC फिल्म पेपर है। एक चाकू की सहायता से हम पेपर को इस प्रकार काट लेते हैं। अब हम पेपर को इस प्रकार मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद अब हम स्टेटर के स्लॉट के अंदर डालकर देखते हैं। तो यह हमारा साइज सही है और अब हम इसको काट लेंगे। इस प्रकार पेपर को काट कर अब हम पेपर को इस प्रकार मोड़ेंगे और इसकी कॉलर तैयार करेंगे। मोड़ने के बाद अब हम स्लॉट में डालकर देखते हैं तो यह थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जिसे हम काट कर दोबारा इसकी साइज लेते हैं और फिर इसको भी इस प्रकार मोड़कर कॉलर तैयार कर लेते हैं। और अब हम स्टेटर में इस प्रकार बिठा लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारा साइज निकल आया है और अब हम इसी पेपर साइज के टुकड़ों को इस प्रकार काट लेते हैं। यह पेपर साइज 24 रहेंगे, जो कि मैं जल्दी से काट लेता हूं। पेपर के टुकड़े काटने के बाद मैं अब स्टेटर में इनको इंस्टॉल करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार सभी साइज के पेपर को काट लिया है और अब हम स्टेटर में इस प्रकार पेपर को ऐड करते हैं। यदि पेपर बड़ा या छोटा लगता है तो उसको हम कैंची की सहायता से सही एडजस्ट कर लेते हैं और स्टेटर में डालकर देखते हैं तो हमारा साइज सही है। तो हम जल्दी से स्टेटर में पेपर को ऐड कर लेंगे। मैं वीडियो आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार मधानी मोटर बाइंडिंग की जाती है। इससे आपको बाइंडिंग करते समय बहुत ही सहायता होगी
यह देखिए दोस्तों, हमने स्टेटर में पीवीसी शीट लगा ली है और यह देखिए हमारा पेपर पूरी तरह सेट हो गए हैं। तो अब हम इस कॉइल फर्मे से कॉइल को बनाएंगे, जिसमें कि इसकी लेंथ 18 इंच रहेगी। 18 इंच की हम कॉइल को बनाएंगे, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग एक ही रहेगी। तो चलिए अब हम इसे मशीन पर कस लेते हैं। मशीन पर कसने के बाद 35 नंबर SWG स्टैंडर्ड वायर गेज इसमें हम यूज़ करेंगे। तो हमने फर्मे को मशीन पर लगा लिया है और अब हम पहली कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। यह मशीन एक बार घुमाने पर 10 राउंड लेती है, तो हम मशीन को 25 राउंड घुमाएंगे तो हमारे 250 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम जल्दी से मशीन को 25 बार घुमाते हैं। 25 बार घुमाने के बाद हमारे पहली कॉइल तैयार हो जाती है। इसे अब हम इस प्रकार देखिए दोस्तों धागे से बांध लेते हैं, ताकि हमारी कॉइल आपस में उलझे ना। कॉइल को थोड़ा ढीला बांधना चाहिए और इस प्रकार की गांठ का यूज़ करना चाहिए, ताकि कॉइल अच्छी तरह बंध सके। तो चलिए अब हमारी पहली कॉइल बन गई है, अब हम दूसरी कॉइल को इसी प्रकार बनाएंगे। इसमें हम कनेक्शन ऑलरेडी वाली कॉइल बना रहे हैं, जिसमें कि हमें बाद में कनेक्शन नहीं करना पड़ेंगे। इसमें आखिरी में एक वायर और पहली कॉइल का एक वायर बाहर निकलेगा। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी सेकंड कॉइल भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम तीसरी कॉइल को भी बनाते हैं। तो यह हमारी तीसरी कॉइल हम बनाना शुरू करते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको 24/8 मधानी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है, उसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो यह देखिए दोस्तों, मैंने तीसरी कॉइल को बना लिया है और इसको धागे से बांध लिया है। इसमें ऑलरेडी कनेक्शन हो रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग कनेक्शन करके भी कॉइल बना सकते हैं और बाद में कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम एल्युमिनियम और कॉपर दोनों ही तरह के वायर से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी चौथी कॉइल भी बनकर तैयार हो गई है और यह एक सेट हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। यह इसका आखिरी छोर है और यह हमारा पहला छोर है। हमने पहला सेट बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम दूसरा सेट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अब हम अगला सेट बनाना शुरू करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी पहली कॉइल बन गई है, जो कि
फोर्थ क्वाल है। इस सेट में अब हम दूसरी क्वाल बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम मशीन को 25 राउंड घुमाते हैं तो हमारी 250 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं और क्वाइल तैयार हो जाती है और हम धागे से बांधकर क्वाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, मेरी यह इस सेट की दूसरी क्वाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली क्वाइल को बनाना शुरू करते हैं। मैंने 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग के दो भाग अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यह तीसरा भाग मैं आज अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद मेरा अगला भाग 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग का जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो आप वीडियो देखते रहें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी क्वालें तैयार हो गई हैं और यह हमारी आठवीं क्वाल बनकर तैयार हो गई है और हमने क्वालों को कंप्लीट कर लिया है। हमारे चार क्वाल के दो सेट बनकर तैयार हो गए हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारे दो सेट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में इनको स्टेटर में बैठालना सीखेंगे। तो वीडियो आज की इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, प्रश्नों तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।